देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से मध्य प्रदेश के हजारों लोग, जिसमें मजदूर, स्टूडेंट्स, दर्शनार्थी और अन्य प्रोफेशनल्स के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के लोग मध्य प्रदेश में भी हैं। वे सब अपने अपने प्रदेश और घर जाना चाहते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस तरह के लोगों के लिए आवागमन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए राज्यों से समन्वय कर दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों का आवागमन सुगम एवं सुचारू रूप से संपादित करने का दायित्व आईएएस अधिकारियों को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को गुजरात और राजस्थान का जिम्मा सौंपा गया है। इनका मोबाइल नंबर है 9424599400। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में फंसे लोगों का जिम्मा MSME विभाग प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव को दिया है। इनका नंबर है 9425805440। खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को दिल्ली हरियाणा की जवाबदारी सौंपी गई है। इनका नंबर है 9717748689। महाराष्ट्र, झारखंड के लोगों को लाने दीपाली रस्तोगी को प्रभारी बनाया गया है, जो जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव हैं। इनका नंबर है 9425820100। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक आयरन सिंथिया जेपी को तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है। इनका नंबर है 9425172700। वी किरण गोपाल, जो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक हैं, वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्य से समन्वय करेंगे। इनसे संपर्क करने का नंबर है 9425163993। कर्नाटक और गोवा देखने के लिए लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा टी को जिम्मा दिया गया है। इनका नंबर है 9893775673। अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम ICP केशरी ने जानकारी दी है कि ये अधिकारी उन्हें आवंटित प्रदेश के समन्वय अधिकारियों, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भोपाल और मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय कर फंसे हुए लोगों का सुरक्षित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोनों ओर का आवागमन सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी प्रतिदिन किए गए कार्य के संबंध में प्रतिवेदन राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रमुख सचिव संजय दुबे को उपलब्ध कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर TV न्यूज़।